नमा जी आफत। डर लग रहा है? चाचा डर लग रही है तो आए क्यों? खुद तो आए तो आए, मुझे लाए क्यों? अच्छा अच्छा, दामाद जी से इतना डर लग रहा है तो दामाद जी के पास गए क्यों थे? और ये क्या तरीका है ईशान भाई चाचा के जैकेट में छुपने का? ये भी कोई तरीका है छुपने का? कोई और जगह नहीं मिली आपको छुपने की? क्यों? हाँ ससुर जी, कैसा आना हुआ बिटिया को? तू कह, तू कह। तुम कहो, तुम कहो। मुझे पेशाब आ रही है। तो मेरी भी तो निकली जा रही। और ये निकली जा रही का मतलब क्या ईशान भाई? गन दे के इतना डरने की क्या बात है यार? गन सबके पास होती है ना, गन दे के इतना डरना क्यों है? ये पापा मुझे लेने आए हैं। ओ मैडम गटर पटर, ज्यादा मत कर जटर पटर, वरना जुबान पे लगा दूंगा गटर। दामाद जी गलती हमारी गलती, तुम पूरे मोहल्ले के दामाद हो, लड़ो मत, हम नहीं आए हैं। बेटे को लेने नहीं आए तो क्या करने आए थे? इधर नाश्ता करने आए थे क्या? लेने नहीं आए? और ये क्या हर बार आप बोलते रहते हो दामाद जी मोहल्ले के दामाद हो, पूरे मोहल्ले के दामाद? अरे भाई सबको पता है कि वो दामाद है। भेजूंगा भी नहीं। बेटी क्यों नहीं आई अभी स्कूल से? आधा घंटा लेट कैसे हो गई? पता है मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता हूँ। पापा। बेटी? आपकी बेटी स्कूल से आने में आधा घंटा लेट हो गई तो आपकी जान निकल गई। जरा सोचो, आपने इनकी बेटी को 2 साल से घर नहीं जाने दिया है। अगर भाई 2 साल से? अरे अगले हफ्ते तो आई थी बेटी घर पर अपने। क्या बात है? चाचा उठो। अगर कोई बाप अपनी बेटी को बुलाने आ जाया करे तो भेज दिया करो, क्योंकि एक बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी बेटी से दूरी नहीं। और यहाँ पर ईशान भाई ने अपना थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा दिखा दिया है तो दामाद जी पिघल जाएंगे। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।